देखिए, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि आजादी के 100 साल पूरे होते होते भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, सबसे सशक्त, सबसे सबल, सबसे समृद्ध और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बने, उनके निर्देशन में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। पहले उन्होंने हमारे विभिन्न बम्बई, सूरत, कलकत्ता प्रवासी उद्योगपतियों से चर्चा परिचर्चा की, उसके बाद जापान और कोरिया की यात्रा करके आए, अभी फिर दो देशों की यात्रा करके आए और इस यात्रा के दौरान उन्हें वहाँ के प्रवासी राजस्थानियों, प्रवासी भारतीयों, वहाँ के स्थानीय उद्योगपतियों और सरकारों ने उनकी विधानसभा के जिस प्रकार का आश्वासन दिया कार्यकर्ताओं ने कि वो दिसंबर में होने वाले मुख्यमंत्री जी का पहुंच राइजिंग राजस्थान समिट में भाग लेकर जिस प्रकार राजस्थान में निवेश करने को लोग तैयार है, राजस्थान में तैयार किया और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में करने का उन्होंने जो बात की है, दिसंबर में निश्चित रूप से वो धरातल पर उतरेगा। अभी पिछले दिनों हमारे नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन ने 76,500 करोड़ के MOU किए थे और हम वो सारे के सारे MOU 2025 में धरातल पर उतरना शुरू करवा देंगे और दिसंबर में जो राइजिंग राजस्थान समिट होगी उसमें मेरा विभाग लगभग जितने के MOU हो चुके हैं उसे दुगने राशि के MOU और करने की तैयारी में है और इस प्रकार इस राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से राजस्थान में जितना निवेश आएगा, नए उद्योग स्थापित होंगे या दूसरे और बातों में निवेश होगा, चाहे वो निर्माण क्षेत्र हो, चाहे IT का क्षेत्र हो, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारे इस सरकार के कार्यकाल के कालखंड में राजस्थान तेजी से आर्थिक विकास करते हुए नरेंद्र मोदी जी के हाथों विकासशील से विकसित प्रदेश की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा।